1 अप्रैल 2024 से लागू होंगे ये 10 नए नियम, बड़े बदलाव। दोस्तों बहुत कुछ बदल जाएगा। 1 अप्रैल से महंगी हो जाएगी तकरीबन 800 जरूरी दवाइयां। आपकी जेब पर महंगाई का असर पड़ने वाला है। अब इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से जारी होंगे ई ड्राइविंग लाइसेंस और ERC। 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही नई व्यवस्था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए टैक्स को लेकर भी 1 अप्रैल से शराब की हर बोतल 120 रुपए महंगी होगी। किस राज्य में ये नया टैक्स लागू होने जा रहा है बताऊंगा आपको पूरी जानकारी खबर विस्तार से। इसके अलावा भी 1 अप्रैल से वाहन खरीदना महंगा होगा, घर बनाना सस्ता होगा। इसके समेत 14 टोटल ऐसे नए नियम, बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं जिनका असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ने वाला है। रुपए पैसों से जुड़े ये नियम है तो आम आदमी की जेब पर भी इसका असर पड़ेगा। जमीन मकान प्लॉट की रजिस्ट्री की नई दरें भी लागू होने जा रही 1 अप्रैल से। आपको लगेगा कि 1 अप्रैल को अप्रैल फुल डे तो आपको सरकार अप्रैल फुल बना रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वाकई में दोस्तों 31 मार्च के बाद जब न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल 2024 से नया वित्त वर्ष, उस दिन से हमारे देश में बहुत कुछ बदल जाएगा। अभी चल रहे लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच आइए देखते हैं एक एक करके फटाफट से मैं आपको 10-15 बड़े अपडेट नए नियम बता देता हूँ। बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। चलिए सबसे पहला अपडेट देखिए, पान मसाला और तंबाकू को लेकर नियम बदला। 1 अप्रैल से लगेगा 1,00,000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ, दरअसल GST काउंसिल की तरफ से एक नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें GST की तरफ से एडवाइजरी में कहा गया कि तंबाकू उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को 1 अप्रैल से GST अधिकारियों के साथ अपनी पैकिंग मशीन का रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर ऐसा करने में कंपनियां विफल रहती है तो 1,00,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। चलिए अगला अपडेट है, इस महीने के बाद हाईवे पर भी आपका चलना महंगा होगा क्योंकि टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी होने जा रही है। होली के त्यौहार के बाद अब NHAI नई अधिसूचना जारी करेगा। 1 अप्रैल से ही एक्सप्रेसवे पर सफर महंगा हो जाएगा। 5% तक टोल टैक्स की रेटें बढ़ जाएगी। 31 मार्च की आधी रात से ही ये टोल शुल्क में 3-5% तक की बढ़ोतरी होगी। कुछ अलग अलग जगहों पर 2-3% तक की टोल टैक्स में बढ़ोतरी की संभावना है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से। यूपी में देखा जाए तो लगभग 35-50 रुपए तक टोल टैक्स महंगा हो जाएगा। बस, ट्रक वाहन, हल्के वाहन, भारी वाहन के लिए अब नया टोल टैक्स की रेट क्या होगी, पहले क्या थी आप देख सकते हैं इस टेबल में भी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी बड़ा टोल, सोहना अलवर और जयपुर जाना भी अब महंगा होगा। चलिए अगला अपडेट है NPS योजना को लेकर। 1 अप्रैल से बदलेगा नेशनल पेंशन सिस्टम। NPS खाते का आधार कार्ड वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। हालांकि इससे NPS में निवेश करना और ज्यादा सुरक्षित होगा। PFRDA की तरफ से 1 अप्रैल से ये नियम में बदलाव किया जा रहा है और इस नए नियम के मुताबिक NPS CRA में लॉगिन के लिए अब आधार OTP वेरिफिकेशन जरूरी होगा और इससे अनऑथोराइज्ड एक्सेस का रिस्क कम होगा, ट्रांजेक्शन सुरक्षित रहेगा। 1 अप्रैल से ये नया नियम लागू होगा। तो अब NPS के कर्मी भी अगर लॉगिन करेंगे तो भी 1 अप्रैल से उन्हें इस तरह से लॉगिन करना होगा। NPS खाताधारकों के लिए आधार वेरिफिकेशन कराना मतलब जरूरी होगा, है ना। चलिए अगला अपडेट है, बैंक खाता वालों के लिए शानदार खबर देखिए दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बड़ी राहत दी है। अब से निष्क्रिय खातों पर नहीं लगेगा ये चार्ज। 1 अप्रैल से नया नियम लागू होगा। दरअसल अगर आपका भी कोई ऐसा बैंक खाता है जो कि निष्क्रिय यानी कि बंद पड़ा है, आपने बहुत टाइम से उसमें कोई लेन देन नहीं किया, तो रिजर्व बैंक ने आपको बड़ी राहत दी है। RBI का कहना कि अब से निष्क्रिय पड़े खातों पर मिनिमम बैलेंस न रखने पर भी बैंक आपसे कोई पेनल्टी या जुर्माना नहीं लगा सकेंगे। जनरली आपको पता होगा बैंकों के द्वारा जो नियम होता है, जैसे 1,000 रुपए मंथली या 5,000 मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है ना, वरना मिनिमम बैलेंस का चार्ज लगा देते हैं 100-150 रुपए जो भी है। लेकिन RBI का कहना है कि अगर कोई ग्राहक अपने बैंक खाते को लगातार 2 सालों से इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेन देन नहीं कर रहा, इसके साथ ही वो खाता भी निष्क्रिय हो गया, तो इस तरह के खातों पर अब बैंक मिनिमम बैलेंस नहीं रखने का चार्ज नहीं लगा सकेंगे। ऐसे खातों के अलावा स्कॉलरशिप अकाउंट पर भी चार्ज नहीं लगेगा। जो स्टूडेंट की छात्रवृत्ति के लिए स्कॉलरशिप खाते होते हैं ना, उन पर भी कोई मिनिमम बैलेंस का नियम लागू नहीं होगा। और अगला अपडेट है बैंक लोन को लेकर भी देखिए आप। बैंक लोन डिफॉल्ट पर पेनल्टी से जुड़े नियम में भी बदलाव किया गया। 1 अप्रैल से ये नियम लागू होगा। कस्टमर को इससे बड़ी राहत मिलने वाली है। बैंक NBFC से लिए गए लोन के डिफॉल्ट होने पर जुर्माने से जुड़ा ये नियम भी इस साल 1 अप्रैल 2024 से लागू होने जा रहा है। अब इस नियम के मुताबिक सिर्फ उचित डिफॉल्ट चार्ज ही लगा सकेंगे बैंक। मतलब अगर आपने बैंक से लोन लिया, चुकाया नहीं, आप डिफॉल्टर घोषित हो गए, तो भी ऐसा नहीं कि बैंक अपनी मर्जी के अनुसार उल्टे सीधे चार्ज लगा देंगे। समझ रहे हो, मतलब RBI का कहना है कि दंडात्मक शुल्क को भी तर्क संगत होना होगा। हालांकि जानबूझकर बैंक लोन डिफॉल्ट करने वालों की तो खैर नहीं है, और भी ज्यादा डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं आप इस नियम के बारे में। ओके, और वैसे बैंक अकाउंट की बात हो रही है तो बैंकिंग से जुड़े कुछ और रूल्स बता देता हूं आपको फटाफट से। देखिए आप, RBI लेकर आया बिल पेमेंट के लिए भी नए नियम। 1 अप्रैल 2024 से लागू होने जा रही है बिल पेमेंट के नियम भी। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल पेमेंट की प्रक्रिया को और आसान, सुव्यवस्थित बनाने के लिए, भागीदारी बढ़ाने और ग्राहकों की सुरक्षा तय करने के लिए कुछ रिवाइज्ड मानदंड जारी किए हैं, और ये निर्देश सभी बैंकों के लिए 1 अप्रैल 2024 से लागू होने जा रहे हैं। NPCI, भारत बिल पे लिमिटेड और अन्य नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम पर लागू होंगे ये नियम। RBI ने इन दिशा निर्देशों में क्या कहा, जिसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं इस गाइडलाइंस में। एटलीस्ट सिंपल भाषा में बताऊं दोस्तों, तो इसका मकसद ये है कि जैसे मोबाइल ऐप हो गया, मोबाइल बैंकिंग, UPI पेमेंट वगैरह, इन सबको और आसान बनाना और सुव्यवस्थित बनाना, ताकि आप और बेहतर तरीके से डिजिटल पेमेंट का यूज कर सके, है ना। और वैसे भारतीय स्टेट बैंक SBI के भी करोड़ों ग्राहकों को बड़ा झटका लगने वाला है। 1 अप्रैल से 75 रुपए महंगी हो जाएगी ये सर्विस। जी हाँ, देखिए ये बड़ा अपडेट, नया नियम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ऐलान किया गया कि उसके कुछ चुनिंदा तरह के ATM डेबिट कार्ड पर अब आपको पहले से 75 रुपए ज्यादा तक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना होगा। अभी आपको बताऊंगा बैंक जो डेबिट कार्ड का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं। हालांकि कुछ बैंक ये फ्री रखते हैं, लेकिन ज्यादातर
बैंकिंग चार्ज वसूलते हैं, राइट। तो SBI के अब क्लासिक, सिल्वर, ग्लोबल, कॉन्टेक्टलेस इस तरह के सभी डेबिट कार्ड पर जो पहले 125 रुपए लगते थे वो अब 200 रुपए आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के रूप में देने पड़ेंगे। और इसी तरह से युवा, गोल्ड, कॉम्बो, प्लेटिनम, प्राइड और प्रीमियम बिजनेस डेबिट कार्ड समेत इन सभी तरह के डेबिट कार्ड पर अब आपको कितना शुल्क लगेगा इस टेबल में आप देख सकते हैं। ओके, और अगला अपडेट देखिए, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा एक और अपडेट है। 1 अप्रैल से इस बैंक की सभी शाखाएं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ब्रांच कहलाएगी, क्योंकि एक बैंक का मर्जर होने जा रहा है और इस डील को RBI से मंजूरी भी मिल चुकी है। आगामी 1 अप्रैल से फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की सारी ब्रांचेज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य करेगी। इन दोनों का मर्ज हो जाएगा। चलिए अगला अपडेट है, अगर आपका बैंक खाता बंद या इनएक्टिव पड़ा है तो दोस्तों मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के अलावा RBI ने एक और गाइडलाइन जारी की है ऐसे बैंक खाता वालों के लिए। रिजर्व बैंक ने इन ऑपरेटिव या बंद पड़े बैंक खातों के लिए नया नियम जारी किया है, जिसमें एक तो RBI ने कहा कि बैंकों को निष्क्रिय बचत खातों पर हमेशा ब्याज देते रहना होगा, और दूसरा सभी बैंकों को यह भी निर्देश दिया गया कि इस तरह के इन ऑपरेटिव बैंक अकाउंट जो बंद पड़े हैं उन ग्राहकों को कॉन्टेक्ट करें, उनके नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को ढूंढें, या तो उन बैंक अकाउंट को वापस रीएक्टिवेट कराएं, चालू कराएं और फिर क्लेम सेटलमेंट करें, क्योंकि ऐसे अकाउंट्स में फ्रॉड का भी खतरा होता है। तो इसलिए RBI 1 अप्रैल 2024 से ये नियम लागू करने जा रहा है। और भी ये डीएक्टिवेटेड अकाउंट पर ग्राहकों को क्या क्या फायदा होगा, जिसके नियमों की पॉइंट्स में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसके अलावा RBI ने बैंकों को दिशा निर्देश में क्या क्या ऑर्डर दिए हैं, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। ओके, और वैसे दोस्तों SBI के डेबिट कार्ड के नियम के अलावा क्रेडिट कार्ड पर भी एक नियम लागू होने जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने करोड़ों क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को भी बड़ा झटका दिया, और वो ये नियम है कि 1 अप्रैल 2024 के बाद SBI क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करने पर आपको कोई रिवार्ड पॉइंट नहीं दिए जाएंगे। अब ग्राहकों को ये तरह की सुविधा नहीं मिलेगी। हालांकि इनमें से कुछ ऐसे कार्ड हैं जिन पर 15 अप्रैल से ये नियम लागू होंगे, और बाकी ये सभी अलग अलग तरह के टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड की लिस्ट देख सकते हैं जिन पर अब आपको रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। ना सिर्फ SBI बल्कि यस बैंक, एक्सिस और ICICI बैंक भी अपने क्रेडिट कार्ड के नियम बदलने जा रहे हैं। कई सारे रिवार्ड्स पॉइंट ऑफर वगैरह बंद हो जाएंगे। जैसे ICICI बैंक ने लाउंज एक्सेस के नियम में बदलाव किया, यस बैंक ने भी नियम में क्या बदलाव किया, ये क्विक इन्फो मैंने आपको बता दी। डिटेल में अगर आप देखना चाहते तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सीधा आगे बढ़ते हैं अपन अगले अपडेट में। देखिए, IRDA ने बीमा पॉलिसी वापसी शुल्क से संबंधित नियम में भी बदलाव किया है। हालांकि ये बीमा पॉलिसी वाले ग्राहकों के लिए बड़ा झटका है। अब पॉलिसी सरेंडर करने पर आपको ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। आखिरकार बीमा कंपनियों के आगे IRDA को झुकना ही पड़ा। नए नियम में क्या प्रावधान है समझिए जरा, और ये नियम भी 1 अप्रैल से ही लागू होने जा रहा है। इस नियम के मुताबिक यदि पॉलिसी खरीद के 3 साल के अंदर अंदर वापस लौटा दी जाती है तो ग्राहक को प्रीमियम का 30% भुगतान किया जाएगा। समझ रहे हो दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई बीमा पॉलिसी खरीदी, आपको पसंद नहीं आई, 3 साल तक तो आपने उसकी किस्तें भरी, प्रीमियम भरी, फिर आप उस पॉलिसी को वापस सरेंडर करना चाहते हैं, वापस विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपको अपनी प्रीमियम का 30% भुगतान ही किया जाएगा। जिस पॉलिसी को 4th से 7th वर्ष तक वापस किया जाता है तो उनके वापसी मूल्य को कुल प्रीमियम का 50% तक रखा जाएगा। मतलब अगर आप 4 से 7 साल के बीच सरेंडर करते हो तब आपको आधे पैसे वापस मिल जाएंगे, बाकी 3 साल से पहले तक तो 30% ही मिलेंगे, 1/3, मतलब 100 रुपए के 30 रुपए मिलेंगे आपको। इस तरह से IRDA ने टोटल 34 नियम मिलाकर 8 नए नियम बना दिए हैं बीमा पॉलिसी सेक्टर से जुड़े। बीमा उत्पाद खरीदने वालों के लिए, मतलब बीमा पॉलिसी वालों के लिए बड़ा अपडेट है। बीमा नियामक IRDA ने हाल ही में 8 जो नियमों को अधिसूचित किया ना, वो नियम और कौन कौन से हैं जिनके पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर। तो इस तरह से बीमा ग्राहक ध्यान दें, पॉलिसी सरेंडर वैल्यू का नियम और फॉर्मूला पूरा बदल चुका है। कुछ और डिटेल्स इन्फो आप देख सकते हैं, 30%, 50%, 90%, 75% तक अलग अलग कंडीशन पर आपको आपकी पॉलिसी के प्रीमियम वापस मिल जाएंगे। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अमेजोन इंडिया ने सेलर फीस को संशोधित किया है। अप्रैल से ही कुछ तरह की प्रोडक्ट की खरीद पर अब आपको ज्यादा सेलर चार्ज देना पड़ेगा। कंपनी ने बयान में कहा कि जैसे परिधान, चादर, कुशन कवर और बर्तन जैसी श्रेणियों में रेफरल फीस कम किया जाएगा, जबकि वैज्ञानिक उपकरण, जो साइंटिफिक उपकरण हो गए, चिमनी, लैपटॉप, बैग वगैरह, टायर जैसी श्रेणियों में इसे बढ़ाया जाएगा। तो इससे अमेजोन पर शॉपिंग करना भी आपका महंगा होगा। हालांकि ये नियम 7 अप्रैल से ही लागू हो जाएगा। अमेजोन मार्केट प्लेस पर विक्रेताओं के लिए फीस स्ट्रक्चर को संशोधित किया गया है। महंगाई की बात हो रही है तो कुछ और अपडेट आपको फटाफट से बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक स्कूटर भी जल्द ही महंगे हो जाएंगे, क्योंकि सरकार फेम 2 स्कीम को तो बंद करने जा रही है 31 मार्च के बाद, क्योंकि इसकी लास्ट डेट ही 31 मार्च है, तो सरकार इसके बाद इसे आगे नहीं बढ़ाएगी। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि 1 अप्रैल से ही सरकार EV सब्सिडी पर एक नई स्कीम लागू करने जा रही है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए। देखिए आप, इस योजना का नाम EMPS रखा है। सबसे पहले तो EMPS का फुल फॉर्म समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। हालांकि इस स्कीम में आपको फेम 2 जितनी सब्सिडी तो नहीं मिलेगी, लेकिन इस स्कीम के तहत 2-व्हीलर इलेक्ट्रिक खरीदने पर 10,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी, जबकि फेम 2 स्कीम में तो 22,500 रुपए तक सब्सिडी मिलती थी। तो जाहिर सी बात है 1 अप्रैल के बाद इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर, 4-व्हीलर वगैरह इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी महंगी हो जाएगी, क्योंकि सरकारी सब्सिडी कम हो जाएगी। इतने दिन तो फेम 2 योजना लागू थी, वो तो 31 मार्च से समाप्त होने जा रही है, और अब इस नई योजना के लागू होने के बाद अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, 3-व्हीलर, ई रिक्शा वगैरह पर कितनी सब्सिडी मिलेगी प्रति KWH के हिसाब से, ये कैलकुलेशन भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। और पहले फेम 2 स्कीम पर अलग अलग वाहनों पर कितनी सब्सिडी मिलती थी इसकी इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। ओके, और कारों गाड़ियों की बातें हो रही है तो कुछ और महंगाई से जुड़े अपडेट देख लीजिए दोस्तों। किया की कार खरीदना भी महंगा पड़ेगा। कंपनी ने 3% तक दाम बढ़ा दिए हैं। 1 अप्रैल से ही 3% महंगी हो जाएगी किया की सभी तरह की कारें। कंपनी का कहना है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से कंपनी ने किया सेल्टोस, किया सोनेट, किया करेंट समेत सारे मॉडल्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। लगभग 25 से 30, 32,000 रुपए तक किया की कारें आपको
महंगी मिलेगी। अच्छा, किया के अलावा देखिए, टाटा मोटर्स कंपनी भी अपने कमर्शियल व्हीकल के दाम 2% बढ़ाने जा रही है। इसकी भी नई कीमतें 1 अप्रैल से लागू होगी। हालांकि कंपनी के इस फैसले के बाद स्टॉक में भी 2% की बढ़ोतरी देखी गई। और वैसे कारों की बात हो रही है तो एक और नियम बता दूं आपको, ये 1 अप्रैल इस साल से नहीं बल्कि 1 अप्रैल अगले साल से नियम लागू होगा 2025 से, ठीक है। रियर सीट बेल्ट अलार्म अनिवार्य होगा सभी कारों में। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जिससे अभी ड्राइवर और को ड्राइवर की सीट बेल्ट का अलर्ट तो कार में आता, बीप बजता, टूक 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 टूक, है ना, अगर नहीं लगाते सीट बेल्ट तो और गाड़ी चलाने लग जाते तो। लेकिन अब पीछे बैठने वाली सवारियों के लिए भी सीट बेल्ट अलार्म अलर्ट बीप अनिवार्य होगा 1 अप्रैल 2025 से ही। ओके, वापस आते हैं 1 अप्रैल 2024 के नियमों पर। तो देखिए, आम आदमी को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगने जा रहा। टाटा पावर कंपनी ने बढ़ाए टैरिफ। 1 अप्रैल से बिजली महंगी मिलेगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग पॉइंट्स पर भी इसका असर पड़ेगा। वैसे तो अब गर्मियों का सीजन शुरू होने जा रहा और शुरुआत में ही महंगी बिजली लोगों का बुरा हाल करने वाली, क्योंकि टाटा ग्रुप की टाटा पावर ने बिजली के दाम बढ़ा दिए। टाटा पावर इलेक्ट्रिक के ग्राहकों को अब ज्यादा पैसे देने होंगे। 1 अप्रैल से टाटा पावर की बिजली महंगी हो जाएगी, लगभग 24% तक महंगी होगी। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं इस बारे में। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए, सरकार का बड़ा फैसला। IFSC की यूनिट को कुछ पेमेंट पर TDS से मिलेगी छूट। टैक्स कंप्लायंस का बोझ भी अब कम होगा। ये नियम भी 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा। इस फैसले के बाद TDS छूट, ब्रोकरेज इनकम, बाहरी वाणिज्यिक उधार वगैरह, इन पर इसका असर पड़ेगा। और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं इसके बारे में। TDS को लेकर यह नया नियम लागू होने जा रहा नए वित्त वर्ष से ही। और इसके साथ ही MSME को समय पर भुगतान का नियम भी 1 अप्रैल से लागू होगा। वित्त मंत्रालय के अधिकारी की तरफ से इस संबंध में भी नोटिफिकेशन जारी किया गया। MSME के ग्राहकों को 1 अप्रैल 2024 से समय पर भुगतान करना पड़ेगा। 45 दिनों की भुगतान अनिवार्यता नियम लागू होने जा रहा। हालांकि इस नियम से हमारे देश के कई सारे MSME छोटे उद्योगपति काफी परेशान भी हो गए। और इस वजह से मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही कि 1 साल तक टल सकता है MSME पर लागू होने वाला नियम भी। 45 दिन में भुगतान न करने पर 30% का आयकर यानी कि टैक्स लगेगा। ये नियम जो सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों के लिए लागू करने जा रही है, तो इसका व्यापारी काफी विरोध भी कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार इस नियम की वैधता को 1 साल बढ़ा सकती है। बहरहाल, इस नए नियम का असर क्या पड़ेगा, सबसे ज्यादा कपड़ों के कारोबार पर असर पड़ेगा। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं, है ना। चलिए, अगला अपडेट है आम आदमी को महंगाई का एक और बड़ा झटका। दवाइयां महंगी होगी। हर साल की तरह इस बार भी 1 अप्रैल से फिर से बढ़ेंगे 8 से 10% तक दाम। और हमारी डेली लाइफ में काम में आने वाली तकरीबन 800 तरह की जरूरी दवाइयां महंगी हो जाएगी। इन दवाओं की लिस्ट में पेन किलर, एंटीबायोटिक और एंटी इन्फेक्शन की दवाइयां भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के अनुसार होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI में सरकार ने कई तरह के बदलाव किए हैं। और सरकार ने राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची NLEM में 0.0055% में बढ़ोतरी भी की है। और ये हाल ही के कुछ दिनों में बढ़ोतरी हुई है। इसका असर अब आपको दवा की कीमतों पर देखने को मिलेगा। और मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़ी जो कंपनियां दवा बनाने वाली है, वो अप्रैल से ही दवाइयों को भी महंगी कर देगी। चलिए, अगला अपडेट है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सुमंगला योजना की धनराशि बढ़ाई गई। 1 अप्रैल से ही 15,000 रुपए से बढ़कर अब इतने रुपए मिलेंगे। दरअसल, पहले आपको पता होगा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 15,000 मिलते थे, लेकिन इसमें 10,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है योगी सरकार ने। तो इस तरह से अब आपको 25,000 रुपए तक की सहायता राशि मिलेगी यूपी की इस सरकारी योजना में। इस योजना के तहत सरकार लड़की का जन्म होने पर जन्म के समय से लेकर 1 साल, कक्षा 1, 6, 9 में एडमिशन के समय और ग्रेजुएशन के समय टोटल अलग अलग किस्तों के रूप में राशि देती है। पहले कितने मिलते थे, अब कितने मिलेंगे, टोटल 15,000 पहले मिलते थे, अब 25,000 रुपए मिलेंगे। ओके, चलिए दोस्तों, अगला बड़ा अपडेट और नया नियम देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की RC वगैरह को लेकर। राजस्थान में 1 अप्रैल से जारी नहीं होंगे DL RC वगैरह, क्योंकि नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है, नए नियम लागू होने जा रहे हैं राजस्थान में यूं कहे तो। हालांकि इससे अब आपको ड्राइविंग करते समय साथ में ड्राइविंग लाइसेंस या RC रखने का झंझट भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से ही वाहनों के लिए अब ERC मिलेगी। DTO ने वाहन डीलर्स को भी बताया कि अब स्मार्ट कार्ड के बजाय ERC जारी की जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक RC। ERC का मतलब समझ रहे हो। और ना सिर्फ RC बल्कि इलेक्ट्रॉनिकली ही जारी होंगे ई ड्राइविंग लाइसेंस भी। 1 अप्रैल से व्यवस्था शुरू हो जाएगी और इसके लिए अब आपको 200 रुपए का भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा, फ्री में। मतलब जैसे आप आधार कार्ड के पोर्टल से ई आधार कार्ड डाउनलोड करते हो ना, ठीक वैसे ही घर बैठे आप ई ड्राइविंग लाइसेंस, ई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपकी गाड़ी की RC डाउनलोड कर पाएंगे और उसको किसी PVC या प्लास्टिक पेपर कार्ड पर प्रिंट करके निकलवा भी सकते हैं। तो पोर्टल पर ये नई सुविधा 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। आप अपने नजदीकी DTO ऑफिस में ई मित्र कियोस्क पर भी इसे निकाल सकेंगे। चलिए, अगला अपडेट है निवेशकों के लिए खबर देखिए आप। नए वित्त वर्ष 2025 में यानी 1 अप्रैल के बाद जो नया वित्त वर्ष शुरू होगा, उसमें IPO से भी कमाई करने का मौका है। 3 अप्रैल 2024 को खुलने जा रहा भारतीय हेक्साकॉम का IPO, और ये टेलीकॉम कंपनी एयरटेल जो है ना, उसी की एक सब्सिडियरी कंपनी है। तो आप भी अगर पैसों का निवेश करते हैं स्टॉक मार्केट वगैरह में, तो निवेश कर सकते हैं। और वैसे स्टॉक मार्केट की बात हो रही है तो सेबी से जुड़े भी कुछ अपडेट देखिए आप। 1 अप्रैल से शेयर ट्रेडिंग अकाउंट ब्लॉक करने की सुविधा मिलेगी। सेबी को संदिग्ध गतिविधियां होने की शिकायत मिली थी और उसके बाद सेबी ने निवेशकों को, यूजर्स को ये नई सुविधा दी है। शेयर ट्रेडिंग या डीमैट खाते को ब्लॉक करने की सुविधा मिलेगी। जैसे आपका ATM कार्ड कहीं गुम हो जाता है, आप बैंक में फोन करके उसे ब्लॉक करवा सकते हैं ना, ठीक वैसे आप डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट को भी ब्लॉक कर सकेंगे टेम्परेरी, जितना भी समय आप चाहें तब तक के लिए। ओके, और म्यूचुअल फंड को लेकर भी एक नियम बदलने जा रहा है। 1 अप्रैल से विदेशी ETF में नया निवेश रोकेंगे म्यूचुअल फंड्स। दरअसल, सेबी की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया जिसमें कहा गया कि विदेशी ETF में निवेश करने वाली म्यूचुअल फंड स्कीम में अब इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर पाएंगे, उस पर रोक लग चुकी है। क्योंकि सेबी का कहना है कि इसकी निवेश का जो मैक्सिमम कोटा था ना, वो लिमिट के करीब पहुंच
चुका है और इसलिए 1 अप्रैल से ही इस तरह के म्यूचुअल फंड अपने कस्टमर से निवेशकों से नया निवेश नहीं ले पाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा सेबी से जुड़े कुछ और अपडेट देख लीजिए आप। सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीम के ऑफर डॉक्यूमेंट को सरल करने का भी एक नियम जारी किया है। ये भी नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू होने जा रहा और इस नियम के मुताबिक समरी ऑफ स्कीम्स को सिंपल रखना होगा। साथ ही रिस्कोमीटर पर इस म्यूचुअल फंड में कितनी रिस्क है ये डेटा भी बताने पड़ेंगे। ओके, और अगला अपडेट है दोस्तों, ओला मनी अपने वॉलेट के नियमों में 1 अप्रैल 2024 से बदलाव करने जा रहा। कंपनी ने अपने ग्राहकों को एक SMS भेजकर सूचना दी है जिसमें कहा गया है कि PPI यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट वॉलेट सर्विस की सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाएगा। या यूं कहे तो पेटीएम के बाद अब 1 अप्रैल के बाद ये ओला मनी का भी वॉलेट इनडायरेक्टली बंद हो जाएगा, क्योंकि ओला मनी की तरफ से घोषणा की गई है अब ये PPI सिस्टम पर काम करेगी। इसका मतलब भी ये हुआ कि सभी कस्टमर्स को नए सिरे से KYC करवानी होगी और वही ओला मनी वॉलेट सर्विस की लिमिट भी कम हो जाएगी, जो कि 10,000 रुपए अधिकतम आप वॉलेट में लोड कर पाएंगे। ओके, और अगला अपडेट देखिए आप, स्मॉल सेविंग स्कीम पर कोई खुशखबरी नहीं मिली। अप्रैल तिमाही के लिए यानी अप्रैल मई जून इन 3 महीनों के लिए ब्याज दरों में सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया। बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट पहले थी वही मिलती रहेगी। और टैक्स को लेकर भी एक अपडेट आ रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अब टैक्स ज्यादा लगेगा। 1 अप्रैल से शराब की हर बोतल 120 रुपए महंगी होगी। ये कहा तो छत्तीसगढ़ राज्य में शराब की ये कीमतें बढ़ने जा रही है। छत्तीसगढ़ की नई विष्णुदेव साय सरकार द्वारा शराब पर 6% तक लिया जाने वाला कोरोना गोठान लोक स्वास्थ्य शिक्षा और उन्नयन का टैक्स 1 अप्रैल से ही हटाने जा रही है। लेकिन ये जितने भी टैक्स है ना, इन सभी टैक्स की जगह अब केवल अधोसंरचना विकास शुल्क यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर टैक्स लिया जाएगा। और ये तो अभी 6% ही है, लेकिन ये इकलौता टैक्स 10% होगा। तो आपको लग रहा होगा टैक्स हट जाएगा शराब से, लेकिन उल्टा शराब की बोतल महंगी हो जाएगी। 120 रुपए बोतल महंगी हो जाएगी और जो एक पौवा आता ना वो 40 रुपए तक महंगा हो जाएगा, क्योंकि पहले बोतल में लगभग 50 रुपए टैक्स लगता था, लेकिन 1 अप्रैल से ही ये नया टैक्स सिस्टम लागू होने जा रहा छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश में भी 1 अप्रैल से शराब की नई आबकारी नीति लागू होने जा रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए अंगूर जामुन शहद का उत्पादन कर शराब बनाने की छूट देगी सरकार। 1 अप्रैल से ही लागू होने वाली आबकारी नीति के अंदर कुछ नए प्रावधान लागू किए हैं। इसमें सरकार ने फलों से शराब बनाने के वाइन निर्माताओं को अब कोई आबकारी शुल्क नहीं देना होगा। इसके साथ ही इनसे बनने वाली शराब को वाइन शॉप पर बेचे जाने की अनुमति भी दी जाएगी। अच्छा, इससे 2 तरह के लोगों को फायदा होगा, एक तो शराब बनाने वाली कंपनियों को भी, क्योंकि उनसे शुल्क वगैरह नहीं लिया जाएगा। दूसरा किसानों को फायदा होगा, उनके फल फ्रूट आसानी से बिक पाएंगे शराब कंपनियों में भी, है ना। चलिए अगला अपडेट है, रेल टिकट और रिजर्वेशन के लिए अब QR कोड से कर सकेंगे भुगतान। 1 अप्रैल से स्टेशनों के सभी टिकट काउंटर पर लागू होने जा रही है नई व्यवस्था। बेसिकली ये मध्य प्रदेश जबलपुर से शुरू होने जा रही है। धीरे धीरे देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर ये नई फैसिलिटी मिलेगी, आप QR कोड के जरिए पेमेंट डिजिटली करके टिकट बुक कर पाएंगे। ओके, और सरकारी स्कूलों को लेकर बिहार में एक नियम बदलने जा रहा, 1 अप्रैल से ही कुछ नई सुविधाएं मिलेगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में रंग रोगन मरम्मत पेयजल व्यवस्था समेत अन्य सुविधाओं को बहाल करने का आदेश दिया है नीतीश सरकार ने और 31 मार्च तक ये काम पूरा हो जाएगा। नए लुक में आपको 1 अप्रैल के बाद स्कूल देखने को मिलेंगे। और वैसे बिहार में कुछ सरकारी नौकरी वगैरह का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ, 4500 पदों पर भर्ती के लिए 1 अप्रैल से आवेदन शुरू होंगे। आप इस ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं सरकारी नौकरी के लिए और भी वैकेंसीज की डिटेल्स आप देख सकते हैं। और वैसे बिहार की बात हो रही है तो देखिए आप, बिजली भी सस्ती हुई है, विद्युत दरों में 2% तक की कटौती की गई। 1 अप्रैल से ही बिहार वासियों को सस्ती बिजली का तोहफा दिया सरकार ने। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में 2% कटौती करने का फैसला किया और ये नए रेट बिजली के 1 अप्रैल 2024 से ही लागू हो जाएंगे। उपभोक्ताओं को इससे लगभग 15 पैसे प्रति यूनिट तक फायदा होगा, यानी आपका बिजली बिल कम आएगा अप्रैल के बाद से। ओके, और किसानों से जुड़ा एक अपडेट देखिए, हरियाणा के मंडियों में सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। 1 अप्रैल से गेहूं की बिक्री भी शुरू हो जाएगी। इस बार 10 लाख से ज्यादा किसानों ने पंजीकरण कराया और MSP वगैरह के रेट्स क्या है देख सकते हैं आप। चलिए एजुकेशन पर एक और अपडेट है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से शुरू होगा 6 से 9 तक में दाखिला। वार्षिक कैलेंडर भी जारी कर दिया दिल्ली सरकार ने और KVS एडमिशन 2024 पर भी खबर आ रही, कक्षा 1 के लिए 1 अप्रैल से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। KVS यानी केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश भी ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं इस पोर्टल के जरिए। चलिए अगला अपडेट है, छत्तीसगढ़ में 30 अप्रैल तक रिन्यू हो सकेंगे अब राशन कार्ड। विष्णुदेव साय सरकार ने तीसरी बार बढ़ाई ऑनलाइन आवेदन की तारीख, अभी तक 90% कार्ड अपडेट हो चुके हैं। चलिए खबर है उत्तर प्रदेश के झांसी में, देखिए एक अनोखा नियम लागू होने जा रहा। 1 अप्रैल से बदलेगी देसी शराब की पैकिंग, बोतल की जगह टेट्रा पैक में मिलेगा क्वार्टर। नकली शराब की बिक्री रोकने की तैयारी के लिए ये नया नियम लागू किया जा रहा। टेट्रा पैक का मतलब जैसे फ्रूटी वगैरह आती है ना, इस तरह के पैक में आपको शराब का क्वार्टर मिलेगा। और खबर है मध्य प्रदेश की ये सड़क सूर्यास्त से सूर्योदय तक बंद रहेगी, 1 अप्रैल से नए नियम लागू होंगे। दरअसल सागर से जबलपुर और तेंदुखेड़ा जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद होगा, केवल इमरजेंसी वाहन ही गुजर सकेंगे और सूर्यास्त के बाद MP में टाइगर रिजर्व की सीमा में भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। 1 अप्रैल से ये भी नया नियम लागू होने जा रहा है। वैसे वीडियो काफी लंबा हो गया, कुछ और न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन से मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, नॉन स्टॉप देखिए आप। हरियाणा में मार्च तक पूरा होगा हिसार एयरपोर्ट का काम, अप्रैल से पहली उड़ान शुरू होगी। अब हमारे जो भारतीय स्टूडेंट हैं अमेरिका में जाते हैं उनके लिए अच्छी खबर है, पहले से कम समय में मिलेगा अमेरिका का बिजनेस वीजा। H-1B वीजा पर एक नया अपडेट आया, अप्रैल से ही वीजा मिलने में लगने वाला समय कम लगेगा और इसके बारे में डिटेल्स आप देख सकते हैं थोड़ी। चलिए अगला अपडेट है, उड़ीसा सरकार ने होली से पहले कामगारों को तोहफा दिया, न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी और अप्रैल से ही ये बढ़ी हुई मजदूरी लागू होगी। अकुशल अर्धकुशल और सकुशल मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी में कितनी बढ़ोतरी की गई है जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, जमीन जायदाद रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में अब बिल्डरों की नहीं चलेगी चालाकी, पारदर्शिता की पहल के लिए महारेरा की ओर से ये नई पहल की जा
जा रही है, नया नियम लागू किए जा रहे हैं। इसके अनुसार रियल स्टेट प्रोजेक्ट के लिए बिल्डर को बैंक में 3 खाते खोलने होंगे। इनमें से 1 खाते में प्रोजेक्ट से संबंधित पूरी रकम जमा करानी होगी और भी दूसरे और तीसरे खाते की डिटेल आप देख सकते हैं। 15 अप्रैल तक रेरा की तरफ से इन आपत्तियों पर सुझाव वगैरह भी मांगे गए हैं, मतलब इस आदेश पर आपत्तियां सुझाव वगैरह। और अगला अपडेट है, चुनाव आयोग की तरफ से सूचना जारी की गई, 1 अप्रैल को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले भी वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं और इस बार होने जा रहे लोकसभा चुनाव में मतदाता बन सकते हैं। और फास्टैग को लेकर भी दोस्तों एक नियम बदलने जा रहा है, 1 अप्रैल तक आपको फास्टैग पर यह जरूरी काम करना, वरना आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो जाएगा या तो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। दरअसल बिना केवाईसी वाले फास्टैग 1 अप्रैल से डीएक्टिवेट हो जाएंगे, एनएचएआई की तरफ से निर्देश जारी किया गया, यानी आपको अपने फास्टैग पर 1 अप्रैल से पहले केवाईसी कंप्लीट करनी है। हो सकता है इसकी तारीख बढ़े, अगर नहीं बढ़ी है तो भी आप अप्रैल से पहले पहले कर लें। इसकी ऑफलाइन प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, सारी डिटेल्स मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर पहले ही बताई हुई है, राइट। चलिए अगला अपडेट है, अप्रैल में बैंकों की छुट्टियों को लेकर भी आरबीआई ने कैलेंडर जारी किया है। लगभग 14 दिन तक अप्रैल में बैंक बंद रहेंगे। किस किस तारीख पर बैंकों में ये छुट्टियां रहने वाली है, कुछ त्योहार फेस्टिवल वगैरह भी आ रहे हैं, तो ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए सिम कार्ड को लेकर एक महत्वपूर्ण नियम लागू होने जा रहा है ट्राई की तरफ से देश भर में। हालांकि ये नियम 1 जुलाई से लागू होंगे और इन नए नियम के मुताबिक अगर आपने हाल ही में सिम कार्ड स्वैप किया है, मतलब आप ही के नंबरों का सेम सिम कार्ड अगर आपने वापस निकलवाया है, तो फिर आप अपने उस मोबाइल नंबर को 7 दिन तक पोर्ट नहीं कर पाएंगे। सिम स्वैप करने के 7 दिन बाद ही पोर्ट कराया जा सकेगा। सिम स्वैपिंग का मतलब होता है अगर आपकी सिम कार्ड खराब हो गई, टूट गई, तो आप जो नई सिम कार्ड इश्यू करवाते हैं तो उसके बाद पोर्टिंग करवाने का मतलब एयरटेल से वोडाफोन आइडिया में जा रहे हो, जियो में जा रहे हो, ये इस तरह से पोर्ट करवाने के लिए आपको 7 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। ट्राई की तरफ से ये नई रेगुलेशंस गाइडलाइंस जारी की गई है। ओके, और वही दोस्तों आधार कार्ड को फ्री में अपडेट कराने की डेडलाइन को भी उदय ने बढ़ा दिया। अब 14 जून तक कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, तब तक आप फ्री में आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों के आईटी गवर्नेंस से जुड़े कुछ नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, ये भी अप्रैल से ही लागू होने जा रहे हैं। अब इसमें मैं निर्देशों को बोलकर बताऊंगा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, अगर आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं तो थोड़ी डिटेल जानकारी स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल को जन्मे बच्चों को भी पहली कक्षा में मिलेगा एडमिशन। स्कूल एडमिशन को लेकर उम्र को लेकर भी ये कुछ नए नियम लागू किए गए हिमाचल प्रदेश में, और इन नियमों के मुताबिक कम से कम 6 साल की आयु होनी चाहिए बच्चे की, तभी पहली कक्षा में एडमिशन मिलेगा इस नए शैक्षणिक सत्र से ही। और हिमाचल प्रदेश में बजट घोषणाओं को भी मंजूरी मिली, 1 अप्रैल से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ मानदेय भी मिलेगा। साथ ही हिमाचल कैबिनेट बैठक में 10वीं-12वीं के छात्रों को लैपटॉप और टेबलेट देने के मामले में भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए, सभी मेडिकल स्टोर और फार्मा स्टोर्स जो है उन पर कैमरे सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी होगा, और 1 अप्रैल के बाद उन सभी दुकानों के मेडिकल शॉप के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे जिन्होंने अभी तक भी कैमरे नहीं लगाए हैं। अब वापस नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिलहाल हरियाणा से ये नियम शुरू होने जा रहा, धीरे धीरे देश भर के सभी मेडिकल शॉप पर इसे लागू किया जाएगा। चलिए खबर है, मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से लागू होगी संपत्ति की नई दरें। मकान जमीन प्लॉट वगैरह रजिस्ट्री को लेकर ये नियम लागू होने जा रहा, और मध्य प्रदेश में अप्रैल से संपत्ति की दरों में औसत 8% तक की बढ़ोतरी भी हो जाएगी। इसके चलते जमीन की कीमतें बढ़ जाएगी, जमीन मकान वगैरह शहरों में प्लॉट खरीदना भी महंगा होगा। लगभग कई जगहों पर मध्य प्रदेश में 20% तक दाम बढ़ सकते हैं, और वजह यही है कुछ नए सर्कल रेट वगैरह लागू होने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से ही ये नई गाइडलाइंस जारी होगी, अलग अलग स्क्वायर फीट के हिसाब से जमीनों की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी होगी डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो ये रजिस्ट्री की मतलब नई दरें लागू हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला अपडेट है, हिमाचल प्रदेश में पैरा मिलिट्री की कैंटीन को 1 अप्रैल से मिलेगी जीएसटी छूट। 20 लाख से ज्यादा परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। गृह मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में नोटिस भी जारी कर दिया। अब ऐसे पैरा मिलिट्री कैंटीन में जीएसटी टैक्स नहीं लिया जाएगा। और खबर है, हरियाणा में 1 अप्रैल से बंद होंगे गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल। दाखिले किए तो संचालकों पर कार्रवाई भी की जाएगी। ओके, और अंत में दोस्तों आपको एक और जानकारी बता दूं, अप्रैल महीने में 8 तारीख को यानी 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण भी लगेगा। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा ये, पहला चंद्रग्रहण तो होली के समय लगा था आपको बताऊंगा। दुनिया भर के 57 देशों में ये दिखाई देगा लेकिन भारत में इसका असर नहीं दिखेगा। 3 देशों में तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, अमेरिका वगैरह में, जिसके चलते दिन में भी पूरा अंधेरा छा जाएगा 8 अप्रैल को। और इसके चलते अमेरिका के कई राज्यों में तो स्कूल बंद करने की भी घोषणा की गई है। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा तो हो गया लेकिन उम्मीद आपको 1 अप्रैल से लागू होने वाले सभी महत्वपूर्ण बड़े नए नियम, बड़े बदलाव, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट जरूर जानने मिलेंगे। मेरी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर आप इस वीडियो पर एक लाइक नहीं करते हो फिर तो दुख होता है यार। मुझे पता आप जरूर लाइक करोगे, लाइक कर दीजिए फटाफट से। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण समाचार, नई सरकारी योजनाएं देखते रहने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।